how to develop cordial relation with your boss. This is a billion dollar question. हम में से बहुत लोग बॉस के साथ कैसे मैनेज करें, कैसे बिहेव करें, उसको लेके बड़े ही एंग्जाइटी में रहते हैं, बड़े ही डिलेमा में रहते हैं. आज की डेट में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है बॉस मैनेजमेंट का. इसका मतलब आप अपने बॉस को कितना अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं. ये बॉस मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है आपके डेवलपमेंट में, आपके ग्रोथ में और आपके कॉर्डियल रिलेशन बनाए रखने में अपने बॉस के साथ. जब भी आप बॉस से मिलें तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि बॉस की जिम्मेदारी आपसे कहीं बहुत ज़्यादा है और बॉस के पास आपसे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कई सारे लोग बॉस के साथ और काम कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉस का 100% टाइम हमारा नहीं हो सकता है, बल्कि हमें एक फिक्स टाइम स्लॉट अपने लिए मान कर चलना चाहिए और उस टाइम स्लॉट को हमें मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बॉस के पास जाएं तो हम उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ों के साथ जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम बॉस का ना वेस्ट हो और हमारा भी ना वेस्ट हो. बॉस को इन्फॉर्म क्या करें, कैसे करें? बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि ये उतनी रिलेवेंट नहीं है, बॉस को बताने का क्या फ़ायदा, या ये प्रॉब्लम है, बॉस को अगर बता दिया तो फिर कुछ और बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, और इस चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ें बॉस से छुपाने लगते हैं. और जब आप छुपाने लगते हैं तो आप बॉस से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और जब आप बॉस से दूर रहने की कोशिश करते हैं तो आपके टर्म्स उसके साथ अच्छे नहीं डेवलप हो पाते. ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से आपका नेटवर्क है, ठीक उसी तरीके से आपके बॉस का भी एक इनफॉर्मल नेटवर्क होता है जिससे उसके पास भी इन्फॉर्मेशन जाती रहती है. और ये बात बहुत ही ख़राब होगी कि आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी और के थ्रू उसके पास पहुँचे. तो इसलिए हमेशा बेटर है कि आप अपने बॉस को अच्छी तरीके से इन्फॉर्म करके रखिए. अच्छी तरीके से इन्फॉर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक बात बताइए, लेकिन जो भी ज़रूरी बातें हैं इससे पहले कि कोई और बताए आप उसको इन्फॉर्म करके रखिए, उसके साथ डिस्कस करिए, ताकि उसको कभी ये फीलिंग ना हो कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, किसी और से मुझे इस बारे में कैसे पता चला. बॉस की पर्सनालिटी, बॉस के कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करिए और अपने आप को भी समझने की कोशिश करिए. आपकी अगर पर्सनालिटी एक तरीके से कंट्रोलिंग है या डिटेल्ड है, जिसमें आप डिटेल में चीज़ें बताते हैं, लेकिन अगर आपके बॉस की पर्सनालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड है तो इससे क्या होगा कि आप अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, लेकिन शायद आपका बॉस बोर हो जाए बिकॉज वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, वो रिज़ल्ट जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. सो कहीं ना कहीं आपको अपने बॉस को एनालाइज करके उसकी टेंडेंसी, उसकी किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है और वो क्या जानना चाहते हैं, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, और उसी के अकॉर्डिंगली आप उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसी के अकॉर्डिंगली आप चीज़ें प्रेजेंट करिए. कई बार हम अपने बॉस के पास प्रॉब्लम लेके सीधे पहुंच जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. सीधे हम प्रॉब्लम लेके अपने बॉस के पास चले जाते हैं और उससे उम्मीद रखते हैं कि वो अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे. ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार प्रॉब्लम लेके अपने बॉस के पास पहुँचेंगे तो धीरे धीरे आप खुद ही एक प्रॉब्लम बन जाएंगे अपने बॉस के लिए. इसलिए हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस सोच के जाए अपने तरफ से, ताकि बॉस को आप कुछ सजेस्ट कर सकें और उसकी डिसीजन मेकिंग को आसान कर सकें. अदरवाइज़ बॉस के पास अगर बिना आप सॉल्यूशन के गए तो वो प्रॉब्लम फिर प्रोक्रेस्टिनेट होती रहेगी, मीन्स उसका सॉल्यूशन टलता जाएगा. अगर ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखें कि बॉस का टाइम इम्पॉर्टेंट है, बॉस के पास हमें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन भी लेके जाना है, बॉस किस टाइप की पर्सनालिटी है और मैं किस टाइप की पर्सनालिटी हूँ और किस तरीके से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन बॉस के पास रिप्रेजेंट करूँ, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जिसमें बॉस को अवेयर रहना ज़रूरी है उसमें हम उसको अवेयर करके रखें, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे हम बॉस के साथ ट्रस्ट डेवलप करेंगे और हमारा कॉर्डियल रिलेशन हो सकता है.